hello friends welcome to siksha how are you all guys so friends this is lecture number 24 for your mcqs on current affairs and development issues very important for your upcoming upsc pfo exam okay so the process will be same 10 questions will be there quickly we'll do this and now you can uh, get the uh, epfo products that is our non-video mcq products on a very गुड डिस्काउंट ऑफ सिक्सटी परसेंट बिकॉज द एग्जाम इज नियर बाय यू जस्ट हैव टू गो टू द वेबसाइट डिस्क्रिप्शन लिंक में है वहाँ पर आप कोड डालेंगे सी फिफ्टी यू कैन गेट द एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स ले सकते हो आप आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो और जो पी डी एफ है सेशंस की उसको भी आप परचेज कर सकते हो विच इज फॉर रुपीज नाइंटी नाइन और राइट ओके गाइज एंड फॉर एनी सपोर्ट यू कैन कमेंट ऑन द वीडियोज यू कैन वाट्सएप अस और यू कैन मेल अस ओके सो लेटस्ट स्टार्ट क्विकली गाइज विद द फर्स्ट क्वेश्चन सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक नेक्ड क्रेन ठीक है अब कुछ बच्चे इन्वायरमेंट देखो पेपर के अंदर एज इट इज़ नहीं है लेकिन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ जाता है क्योंकि डेवलपमेंटल इशूज में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ओके सो द फर्स्ट पॉइंट से इज दैट इट इज़ रिवर्ड बाय द मॉन्गपा कॉम्युनिटी ऑफ बुद्धिस्ट एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द सिक्स दाई लामा ठीक है तो मोंगपा कॉम्युनिटी जो बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर है उसके अंदर इसको दलाई लामा का एम्बॉडीमेंट माना जाता है ठीक है इंडिया के अंदर ये बर्ड लद्दाख रीजन में और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है थर्ड नियर थ्रेटेंड है आई रेड लिस्ट के अंदर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है जी पहला करेक्ट है दो दूसरा और तीसरा करेक्ट है पहला और तीसरा करेक्ट है या फिर तीनों आपके करेट हैल राइट सो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर एयर गाइड्स द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के लिए ये काफ़ी एक सेक्रेड वर्ड uh, इसको कंसिडर किया जाता है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड दैट दिस इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द दिक्स दलाई लामा ठीक है इंडिया में लद्दाख रीजन और अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा और आई रेड लिस्ट में इसको ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई है नियर थ्रेट इसको जो है स्टेटस मिला हुआ है okay. ओके सो so, न्यूज़ में क्यों था क्योंकि रिसेंटली uh, एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स का ग्रुप था तवांग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में तो इस पर्टिकुलर ग्रुप ने अपोज किया बेसिकली गवर्नमेंट के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ठीक है क्योंकि ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट है ये ना तो सिर्फ जो नेस्टिंग ग्राउंड है इस पर्टिकुलर ब्लैक नेक्ट क्रेन का एंडेंजर्ड नेक, नेक ब्लैक नेक्ट क्रेन का उसको uh, हार्म करेगा बट काफ़ी जो है सिवियरली हार्म करेगा जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं इस रीजन में उनको भी ओके okay? सो so, अगर हम आई स्टेटस की बात करते हैं रेडलिस्ट स्टेटस की बात करते हैं तो डेफिनेटली नियर थ्रेटन स्टेटस इसका रहता है साइट्स में अपेंडिक्स वन में आता है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको जो है शेड्यूल वन में रखा गया है तो आई में इसका स्टेटस इतना ज़्यादा हमने इसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया है लेकिन अगर हम साइट्स को देखते हैं या इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को देखते हैं तो उन एरियाज में काफी अच्छा प्रोटेक्शन इस पर्टिकुलर बर्ड को प्रोवाइड किया गया है ओके, okay? सबसे पहले कि ये एडोलेसेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट करता है बेनिफिशरीज आपसे पूछ लिया गया है कौन है दूसरा <coughs> बारह वैक्सीन वेक, प्रिवेंटेबल डिजीजेस के अगेंस्ट ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है ओके okay? थर्ड जैपेज एंसिफिलाइटिस और हेम्योफ्योलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए भी इसमें वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है मिशन इंद्रधनुष में कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है दिस कैन आल्सो बी कवर्ड अंडर द पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ओके सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर गाइड विल बी योर ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली ठीक है पहला गलत हो जाता है अपना अपने से करेक्ट पूछा गया ना तो पहला गलत हो जाता है बाकी दो यहाँ पर ठीक होंगे ठीक है एक बार इसको देख लेते हैं तो बेसिकली ये चिल्ड्रन को इम्यूनाइज करने के लिए है जो अनवैक्सीनेटेड हैं या जिनको पार्शियल वैक्सीनेशन मिला है ओके सो चिल्ड्रन अंडर टू इयर्स ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर कवर किया जाता है अपने पास ऑप्शन में क्या गिवन था एडोलोसेंट्स एडोलसेंट्स यहाँ पर नहीं आएगा एडोलसेंट्स तो वो हो गए ना आपके जो ग्यारह साल से ऊपर के हो गए ठीक है लेकिन यहाँ पर बच्चों को किनको टारगेट किया जा रहा है जो दो साल से छोटे बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ वो एडोलोसेंट वर्ड की वजह से आपका स्टेटमेंट गलत हो गया बारह प्रिवेंटेबल डिजीजेस के अगेंस्ट यहाँ पर वैक्सीन दी जाती है वो बारह प्रिवेंटेबल डिजीजेस कौन से हैं उसका थोड़ा सा आइडिया अपने को होना चाहिए डाइपथेरिया हुपिंग कफ टेटनेस पोलियो ट्यूबर क्लोसेज हेपेटाइटिस बी मेनिगिटिस एंड न्यूमोनिया हेमोफॉलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन जैपेज रोटा वायरस वैक्सीन न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड मीजल्स रूबेला ठीक है तो ये आपके जो डिजीजे हैं वो इसके अंदर कवर्ड हैं हाउ एवर वैक्सीनेशन अगेंस्ट जे ई एंड हेम्योफेलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इज बिंग प्रोवाइडेड इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्स ऑफ द कंट्री लेकिन आपका जो ये जे ई वाला डिजीज है और आपका जो बेसिकली हेम्योफोलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है ये सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्स में बेसिकली प्रोवाइड किया जा रहा है ओवरऑल बारह वैक्सीनेशन है ओके okay, इसीलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट था चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल उजाला ठीक है वंस अगेन सोशल सिक्योरिटी का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि दोस्तों तो सबसे पहले तो क्या बोला गया है कि स्कीम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि अंडर दिस प्रोग्राम कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स आर एम टू बी रिप्लेस विद एलईडी जो पहले वो ट्यूब लाइट्स जैसा सा लगा रहता था सिस्टम जो कन्वेंशनल लाइट्स होता था आपका उसको अब एलईडी लाइट्स से चेंज किया जाएगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है पहला दूसरा दोनों या फिर कोई भी नहीं करेक्ट पूछा गया वंस अगेन So A, only, को करेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है एक बार उजाला स्कीम को डिटेल में देखोगे तो समझ आ जाएगा ठीक है तो जीरो सब्सिडी स्कीम है जिसको भारत सरकार ने 2015 के अंदर लॉन्च किया था दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट इसको कंसिडर किया जाता है ठीक है ई ई एस एल इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक पी एस यू है और ऑल्सो नोन एज एल ई डी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशियंट लाइटिंग प्रोग्राम इसको डोमेस्टिक एफिशियंट लाइटिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है जो आपका ये उजाला प्रोग्राम है और ये एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी को प्रमोट करता है ताकि अल्टीमेटली कंज्यूमर्स जो अपने घर पे जो लाइट लगा है अगर वो ज्यादा बिजली ले रहा है ज़्यादा बिजली खा रहा है तो डेफिनेटली अपना बिल ज़्यादा आ रहा है तो कंज्यूमर के लिए भी खर्चे की बात हो रही है और देश का एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है वहीं पर अगर मैं एलईडी का बल्ब लगा दूंगा तो मेरा बिजली का खर्चा भी कम हो जाएगा और साथ के साथ देश की बिजली भी बचेगी देश की एनर्जी भी बचेगी जो घर पे आपके बिजली आ रही है उस बिजली को पैदा करने के लिए कितना कोयला जलाया जा रहा है उस कोयले को जलाने की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है तो वो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने में मेरे को मदद हो जाएगी ठीक है सो एवरी डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैविंग अ मीटर कनेक्शन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इज एलिजिबल टू गेट द एलई डी बल्ब अंडर द स्कीम तो एलिजिबिलिटी बता दिया कि मीटर्ड कनेक्शन होना चाहिए आपके पास अगर आपके पास मीटर्ड कनेक्शन नहीं है तो आप इस स्कीम के अंदर एनरोल नहीं कर सकते उसके अलावा यहाँ पर इनकम बेस्ड कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया है आपके लिए क्राइटेरिया क्या सेट किया गया है कि आपके घर पर एक मीटर्ड कनेक्शन होना चाहिए ठीक है जी जो हम स्ट्रीट लाइट चेंज करने की बात कर रहे हैं ना स्ट्रीट लाइट चेंज करने की बात कर रहे हैं हम स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के अंदर इसके अंदर जो कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट है उसको हम एलईडी वाली लाइटों से बदल रहे हैं ठीक है जी तो इसी वजह से स्टेटमेंट टू गलत हो गया क्योंकि प्रोग्राम जो है वो अलग अलग है उजाला अलग है और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम अलग है ठीक है फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाओ पगड़ी संभाल मूवमेंट 1907 की कुछ स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है बेटा हिस्ट्री वाला पॉइंट आ गया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वाला ठीक है इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए तो पगड़ी संभाल मूवमेंट इट वॉज अगेंस्ट द लॉज दैट वुड रिड्यूस फार्मर्स फ्रॉम ओनर्स टू कॉन्ट्रेक्टर्स ऑफ लैंड तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया कि फार्मर्स को ओनर्स की जगह लैंड का कॉन्ट्रैक्टर बना दिया जाएगा बस ठीक है उनका कोई राइट right नहीं रहेगा उसके ऊपर द भारत माता सोसाइटी अंडर दिस मूवमेंट एम्ड टू टॉपल द कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत माता सोसाइटी क्या पगड़ी संभाल मूवमेंट के अंडर बना था और दूसरा ये पता होना चाहिए कि क्या भारत माता सोसाइटी जो था उसका अल्टीमेट एम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ करके फेंकना है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपने बताना है ठीक है पहला दूसरा दोनों या फिर नीदर हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया बेटा लेकिन करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड है सो द आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो संयुक्त किसान मोर्चा जो है आपका वो तेईस मार्च को पगड़ी संभाल दिवस सेलिब्रेट कर रहा है बेसिकली ठीक है तेईस तेईस फरवरी सॉरी पगड़ी संभाल दिवस सेलिब्रेट किया गया ठीक है इसके जो फाउंडर uh, थे अजीत सिंह जो आपके भगत सिंह के चाचा हैं आपने मूवीज़ में अ सक्सेसफुल फार्म एजुटेशन जिसने ब्रिटिश सरकार को फोर्स किया कि वो उन्नीस में जो ब्रिटिश सरकार तीन एग्रीकल्चर के कानून लेकर के आई थी उन्हें रिपील कर दे। देखो ये संयुक्त किसान मोर्चा क्यों इस तरह की डेज को सेलिब्रेट कर रहा है पगड़ी संभाल दिवस क्योंकि बेसिकली आप सब जानते हो कि फार्मर्स और सरकार के बीच में अभी लफड़ा चल रहा है फार्मर कह रहे हैं कि जो तीन आप एक्ट्स लेकर के आए हो एग्रीकल्चर के उनको वापस लो फार्म एक्ट्स जिनको बोला जाता है उनको वापस लो ठीक है सरकार कह रही है हम वापस नहीं लेंगे हमसे डिस्कशन कर लो लेकिन हम कानून वापस नहीं लेंगे ठीक है तो इस सब में ये एक सिंबोलिकल साइन था सरकार के लिए कि देखो ऐसा है उन्नीस में जो हुआ था वो अब हम करके दिखाएंगे आपको ठीक है जी तो पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट और बारी एक्ट ये तीन एक्ट थे जिनको खारिज करवाया था इस पर्टिकुलर मूवमेंट ने ओके okay, इन एक्ट्स में भी जैसे अब किसान अभी कह रहे हैं कि अगर ये तीन एक्ट प्रॉपरली पास हो गए तो एमएसपी चला जाएगा किसान का अपने जमीन के ऊपर अपनी फसल के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा तो वही सारे लफड़े उस समय पर भी थे जिसकी वजह से ये एजुटेशन शुरू किया गया ठीक है भगत सिंह जैसे कि मैंने आपको बताया अजीत सिंह के अंगल थे एंड uh, इस एजुटेशन को उन्होंने ही आगे लीड किया एंड ही वॉन्टेड टू चैनल एंगर ओवर द द फार्म टू कॉलोनियल गवर्नमेंट अजीत सिंह क्या चाहते थे कि वो इन जो एग्रीकल्चर के जो ये कानून थे फार्म के जो ये कानून थे उन कानूनों को आधार बना करके लोगों के अंदर अंग्रेज सरकार के लिए और ज्यादा जो आक्रोश है वो पैदा करें और अल्टीमेटली उनका एम क्या था कि इस आक्रोश का इस्तेमाल करके कॉलोनियल गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर फेंका जाए ठीक है जी भगत फादर किशन किशन सिंह अंकल अजीत सिंह विद रेवोल्यूशनरी फ्रेंड भारत माता सोसाइटी तो ये तीन फाउंडर आप याद रख लोगे अगर अपने दिमाग में किशन सिंह अजीत सिंह और राम तो so, अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता कि भारत माता सोसाइटी के फाउंडर कौन थे तो वो भी आपको पता चल जाएगा ठीक है इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा एम्ड टू मोबिलाइज दिस अनरेस्ट इनटू अ वॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ठीक है एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरा इन्होंने यहां पर रिवोल्ट एक ऑर्गेनाइज कर दिया तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है ठीक है जी चलो फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वॉज रिसेंटली इन फेब ट्वेंटी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक ठीक है तो फेबर 2021 में जो आपका एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर बेसिकली हम कैंसर डायबिटीज़ और कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज और स्ट्रोक को ख़त्म करने की बात करते हैं तो इसके अंदर इस लिस्ट में एक और डिजीज़ ऐड किया गया था वो कौन सा डिजीज़ था ठीक है हेल्थ एस्पेक्ट आ गया सोशल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट आ गया गाइज वंस अगेन ठीक है जी तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऐड कर दिया गया है ठीक है तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर तो हर्षवर्धन ने बेसिकली आपका ये ऐड किया डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड एज द नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो आपका प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर है। और इंडिया इसके साथ पहला देश बना है जिसने uh, नॉन एल्कोहलिक uh, uh, फैटी लिवर डिजीज uh, को आइडेंटिफाई किया है एक आइडेंटिटी दी दि, है बाय एडिंग इन टू सचक प्रोग्राम ओके एंड ईट राइट इंडिया एंड फिट इंडिया मूवमेंट वर इनिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट एज अ प्रिवेंटिव मेजर तो इन ऐसे डिजीजेस को अवॉइड करने के लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे प्रोग्राम्स जो हैं वो चालू किए हुए हैं ओके सिक्स क्वेश्चन इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टेड 400 हंड्रेड करोड़ टू क्रिएट इंडिया फर्स्ट फिशरीज हब अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो ये 400 करोड़ का फर्स्ट फिशरी हब कहां पर खोला जाएगा तमिलनाडु गुजरात केरला गोवा फैक्चुअल क्वेश्चन है आता है नहीं आता है वाला सीन बन जाता है ठीक है आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा गोवा के अंदर आपका ये पर्टिकुलर सेंटर खोला गया चलो जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट दट इज यूज बाई ग्लोबल बैंक टू लेड टू वन एन अदर अगर ग्लोबली बैंक को एक दूसरे से पैसा उधार में लेना है तो उसके लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट है जिसको एज अ बेंच मार्क ट्रीट किया जाता है स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज लंडन इंटर बैंक मीन रेट सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट और लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट इनमें से कौन सा रेट आएगा उसके अंदर तो सीधा सा सवाल का जवाब है बेटा ऑप्शन डी लिबॉर लेकिन यह न्यूज में क्यों था क्योंकि जो आ, रिपोर्ट एक आई अपने पास अर्स्ट एंड यंग की अर्स्ट एंड यंग इंडिया रिपोर्ट जिसका टाइटल था इंपैक्ट ऑफ इबोर ट्रांजेक्शन ऑन एनबीएफ इन इंडिया ठीक है तो बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या है? बोला गया कि जो इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनको एक इफेक्टिव प्लान बनाने की जरूरत है क्योंकि अभी हो क्या रहा है जो लिबॉर फॉलो किया जाता है ग्लोबली लंडन इंटरबैंक बैंक ऑफर रेट अब इससे हम शिफ्ट होकर के जो ग्लोबली अगर हम देखें ग्लोबली अब लिबॉर से शिफ्ट होकर के एक इंटर बैंक ऑफर रेट के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं ठीक है और 2021 तक लिबॉर कंप्लीटली फेज आउट हो जाएगा तो एन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये लिबॉर से फेज आउट कर जाए ठीक है ताकि अल्टीमेटली दे कैन सिक्योर देयर लोन्स अब अगर देखोगे लिबॉर सॉरी ये इंटर बैंक ऑफर्ड रेट नहीं है ये तो बेसिकली टाइप ऑफ लिबॉर है जो लिबॉर को रिप्लेस करेगा दैट इज योर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट और ये जून 30, 2023 को लिबोर को फाइनली पूरी तरह रिप्लेस कर देगा ये की डेफिनेशन आपके लिए बहुत आप सेगमेंट में पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस वसो एफ आर विच इज तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट जून 30, जून तीस दो से लागू हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चलो एथ क्वेश्चन ब्लैक चेक कंपनी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं आपने इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया फिर से बेसिकली ये फर्म होती है दैट इज स्पेसिफिकली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग अ फर्म इन अ पर्टिकुलर सेक्टर किसी एक सेक्टर में फर्म एक्वायर करने के लिए ये फर्म को स्पेशली बनाया जाता है कि उस सेक्टर की फर्म एक्वायर करनी है दूसरा इसको शेल कंपनी भी कहा जाता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला दूसरा दोनों या फिर नीदर वन नर टू तो आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए वन ओनली ठीक है ये ऐसी फर्म्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है एक्स वाई जेड ठीक है मेरे को टेक्सटाइल की एक कंपनी एक्वायर करनी है तो मैं क्या करूँगा टेक्सटाइल की ही एक और कंपनी रजिस्टर करूंगा ए बी सी और ये कंपनी मैंने स्पेसिफिकली किस सेम से रजिस्टर किया है मेरे को धंधा नहीं करना है इस कंपनी में मुझे ये कंपनी सिर्फ इसीलिए मैंने बनाई है ताकि मैं ये जो टेक्सटाइल कंपनी है इसको एक्वायर कर सकूँ ठीक है ना तो उसको क्या बोलते हैं ब्लैंक चेक कंपनी ओके सो अ ब्लैंक चेक कंपनी इज अ एंटिटी दैट इज स्पेसिफिकली सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग अ फर्म इन अ पर्टिकुलर सेक्टर एक पर्टिकुलर सेक्टर की एक पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर करने के लिए इसे बनाया गया है ठीक है इसको स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी भी कहा जाता है शेल कंपनी नहीं कहा जाता शेल कंपनी तो घपलेबाज कंपनियां होती हैं ठीक है जो टैक्स वगैरह की चोरी करने के लिए बनाई जाती हैं अल्टीमेटली ये जो स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी है या ब्लैंक चेक कंपनी है इसका मेन एम क्या होता है कि ये एक आईपीओ निकाले एक शेयर निकाले वहां से पैसा इकट्ठा करे आईपीओ से ठीक है एंड अल्टीमेटली उस पैसे से ये जो टेक्सटाइल कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया उसको ओवरटेक कर ले इसका कोई मेन एजेंडा ये नहीं होता कि इसने कोई ऑपरेशंस करने हैं कोई एक्टिविटीज करनी है या कोई रेवेन्यू जनरेट करना है ठीक है जैसे ही पैसा रेज हो जाएगा मनी से उसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा ठीक है और उस एस्क्रो अकाउंट से पैसे को इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक्विजिशन के लिए किया जाएगा ठीक है अगर एक्विजिशन दो साल के अंदर अंदर नहीं किया गया आईपीओ से पैसा इकट्ठा करने के बाद तो उस केस में इस स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाएगा और पैसा इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर दिया जाएगा ठीक है तो कोई घपले वाला काम नहीं है सारा इसके अंदर सरकारी काम चलता है ठीक है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी आपने मेनली क्या क्या याद रखना है कि ब्लैंक चेक कंपनी भी बोलते हैं स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी भी बोलते हैं कंपनी इसलिए बनाई जाती है ताकि सिर्फ किसी दूसरे सेक्टर के अंदर हम कंपनी को एक्वायर कर सके आईपीओ निकाला जाता है पैसा जनता से इकट्ठा किया जाता है एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसे को रखा जाता है दो साल के अंदर अंदर अगर आईपीओ निकालने के बाद एक्विजिशन नहीं किया तो वो पैसा जो कंपनी को जो हमने रजिस्टर किया था आईपीओ निकाल के वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा डीलिस्ट हो जाएगा और जो पब्लिक से हमने पैसा लिया था आईपीओ में वो पैसा भी पब्लिक को वापस चला जाएगा सीधी सी बात ठीक है चलिए ओके शेल कंपनी क्या होती है शेल कंपनी वो होती है जो कोई ऑपरेशन नहीं करती फॉर्मली रजिस्टर्ड होती है इनकॉर्पोरेटेड होती है इकोनॉमी में लीगली ऑर्गेनाइज होती है लेकिन इसका काम सारा घपले वाला होता है ठीक है ये बेसिकली लॉ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं उनकी आंख में धूल झोलने के झोंकने के लिए बनाई जाती हैं आईपीओ आप सब जानते ही हो प्राइमरी मार्केट अब फॉर एग्जांपल जोमेटो जोमेटो ने अभी रिसेंटली शेयर निकाला था सारी दुनिया को पता चला तो जोमेटो उससे पहले शेयर मार्केट पे लिस्टेड नहीं थी तो जोमेटो ने जब अपना पहली बार शेयर निकाला तो उसको हम क्या बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब जोमेटो पहली बार पैसा इकट्ठा कर रही है अब आईपीओ निकल गया अब जोमेटो लिस्ट हो चुका है तो अगर अब आप जोमेटो के शेयर खरीदते बेचते हो तो आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो नॉट okay? इन पैसा रख रहे हो ठीक है आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये पैसा सारा मेरा है, मैं जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं आपने जिस परपज के लिए पैसा इकट्ठा किया है उसी परपज के लिए आप पैसे को इस्तेमाल भी कर सकते हैं ओके okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर Uh, स्वस्थ भारत स्कीम से रिलेटेड स्टेटमेंट डेवलप करने लिए और ओनली इन एसपराइट डिस्ट्रिक्ट ये जो ओनली वर्ड होता है बेटा बड़ा खतरनाक वर्ड होता है इसके ऊपर सारा गेम बदल जाता है ओनली वर्ड के ऊपर ठीक है तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सोशल सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर अपने पास आ जाता है पहला दूसरा दोनों या नीदर ठीक है तो अगर आप यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे यूनियन बजट इक्कीस बाईस और दूसरा कह रहा है टर्शरी एक तो यह पता होना चाहिए कि टर्शरी है प्राइमरी है या सेकेंडरी है या तीनों है और क्या सिर्फ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का है तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है ठीक है यूनियन बजट इक्कीस बाइस में अनाउंस हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट द नीड टू एड्रेस हेल्थ इशूज इन द हॉलिटिक मैनर एंड फोर प्रॉन्ट स्ट्रेटेजी उसके लिए इंडिया को अडॉप्ट करने की जरूरत है जिसमें से एक स्ट्रेटेजी है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम की दो हजार में अनाउंस हुई थी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने की यहां पर बात हो रही है इसी वजह से दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो जाता है ठीक है जी चलिए टेंथ एंड फाइनल क्वेश्चन एशिया का लार्जेस्ट कैटल पार्क एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइफ स्टॉक एंड एनिमल साइंस जो है आपका वो कहां पर लोकेटेड है या तो आता है या नहीं आता वाला सीनेरियो बन जाता है दोस्तों एंड द आंसर ओवर हेयर विल बी ऑप्शन डी सालेम तमिलनाडु के अंदर दो आपको सालेम अगर नहीं भी आता तो भी चलेगा क्योंकि अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा तो वो सीधा सीधा स्टेट पूछेगा चलिए सो गाइज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू एम सी क्यूज अगर परचेज करने हैं दस दिन रह गए हैं पेपर को अब एमसीक्यूज परचेज करने का फायदा है नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा तो डेफिनेटली अगर परचेज करना है कर लो सिक्सटी परसेंट ऑफ है ज्यादा महंगा आपको नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी बस आपने कोड यूज करना है सीख सिक्सटी ओके सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइज टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग हार्ट पुट ऑल योर एनर्जी इन टू द एग्जामिनेशन नाउ अब पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी और तबियत खराब मत कर लेना अपनी बिल्कुल भी पेपर में जाने से पहले बिल्कुल बाहर मत जाना आप घर में बंद कर लो अपने आप को एंड पढ़ो जोर लगा के सो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय